प्रश्न है कि विधेयक यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। मान्यवर, इस देश में न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है तो गरीबों के लिए तो आर्थिक बाधा है, मगर हमारे संविधान ने इसकी योजना बनाई, गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन के द्वारा वकील भी दिया जाता है, न्याय भी मिलता है, परंतु न्याय मिलता ही नहीं। कल ही मुझे माननीय रक्षा मंत्री में बिल पेश करा था, बता रहे थे 2003 में कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसका साक्षी का सेवन 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया है। सजा कब होगी वो तो अभी किसी को मालूम नहीं। माननीय सालों के सालों तक तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। पुलिस न्यायपालिका को दोषित करती है, सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषित करते हैं, और पुलिस और न्यायपालिका बैठती है तो सरकार को दोषित करती है। सब एक दूसरे के पीछे कानून का सहारा लेकर रहते। हमने इस कानून में ढेर सारी चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया। मैं इसको बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं माननीय। माननीय, ट्रायल इन एब्सेंसिया का भी प्रोविजन किया है, कुछ लोग इस पर आपत्ति ले सकते हैं, मगर मैं आज कहना चाहता हूं इस देश में ढेर सारे मुकदमे, देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे बम्बई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। माननीय, अब इनके यहां आने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी, एक सरकारी वकील उनकी पेर भी करेगा, फांसी भी होगी, जन्म टिप्पणी, और जिससे वहां से वापस लाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि वो सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में तो स्टेटस बहुत बदलता है। आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का जो निवेदन है वो भी 60 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा। पहले क्या करते थे, एक केस में 25 आरोपी तो एक के बाद एक 25 लोग लिंगरिंग रूप से एक्विटल का अपील करते ही जाते थे और 10 साल तक मुकदमा चलता नहीं था। अब जिसको भी करना है 60 दिन के अंदर करना है और 60 दिन में न्यायाधीश ने इस पर सुनवाई करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा 120 दिन में केस ट्रायल पर आएगा। प्ली बार्गेनिंग के लिए भी समय नहीं था, अब तय कर दिया है, आरोप तय करने के 30 दिन के अंदर ही आप आपके गुनाह को स्वीकार कर लोगे तो सजा कम होगी, प्री बार्गेनिंग 30 दिन के अंदर समाप्त करना पड़ेगा। ट्रायल की प्रक्रिया में कागज रखने का भी कोई प्रोविजन नहीं था, अब हमने दस्तावेजों की प्रक्रिया कंपलसरी 30 दिन में पूरा करने का प्रोविजन कर दिया है। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। हमने कहा था हम धारा 370 और 35 से हटा देंगे, हट गई। हमने वादा किया था आतंकवाद उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार बनाएगी और सुरक्षा कर्मियों को फ्री हैंड देंगे, हमने दिया। इसके कारण 3 हॉटस्पॉट जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में हिंसक घटनाओं में 63% की कमी आई है और मृत्यु में 73% की कमी आई है, और पूर्वोत्तर से
70% से ज्यादा क्षेत्र से अब सपा को हटा लिया गया है। जिन्होंने अपने एजेंडा में रखा था कि हम अब सपा हटाएंगे, वो ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं कर पाए। हमने नहीं रखा था, अब सपा को हटाया नहीं है, परंतु हमने इसके अमल को रिस्ट्रिक्ट करने में सफलता प्राप्त करी है, क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हो गई। हमने मान्यवर कहा था कि अयोध्या में जितना हो सके उतना जल्दी राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी को वहां पर रामलला विराजमान होगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। मान्यवर, हमने कहा था संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी कई बार पावर में आई, तिथियां निकालती रह गई, हमने दे दी भी दिया और सर्वानुमत से देकर इस देश की मातृशक्ति को हमने सम्मानित करने को। हमने कहा था 3 तलाक मुस्लिम माताओं बहनों के लिए अन्याय करता है, उसको हम समाप्त कर देंगे। मान्यवर, हमने इस वादे को भी पूरा किया। हमने कहा था कि न्याय मिलने की घटी को बढ़ाएंगे और न्याय के आधार पर होगा, दंड के आधार पर नहीं होगा। मैं उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष था, श्रीमान राजनाथ सिंह जी घोषणा पत्र लेकर जनता के सामने गए थे और आज हम दोनों बैठे हैं। मुझे आनंद है मोदी जी ने ये पार्टी के वादे को आज पूरा करने का।